देवास जिले में खेल और युवा कल्याण द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता व जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय खेल वृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। खेल और युवा कल्याण अधिकारी देवास ने बताया कि संचालनालय खेल और युवा कल्याण द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय खेल वृत्ति के लिए आवेदन 31 मई तक आमंत्रित किए जाएंगे। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 10,000 रुपए, रजत पदक पर 8,000 रुपए एवं कांस्य पदक पर 6,000 रुपए खेल वृत्ति राशि प्रदान करने का प्रावधान है। खेल वृत्ति के लिए निर्धारित दिशा निर्देश व नियमावली विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। 31 मई 2022 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल वृत्ति के लिए आवेदन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय से खुशाभाव ठाकरे स्टेडियम विकास नगर तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिप्रा विकासखंड देवास सहित जिले सभी विकास खंडों से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नीति के अंतर्गत जो राज्य के ऐसे उभरते खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस ली है मान्यता प्राप्त खेल और मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट्स में, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारी माननीय खेल मंत्रालय यशोधरा राजे सिंधिया मैम, उनकी मंशानुसार इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाए और जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनको राशि रुपये 10,000 और जो द्वितीय स्थान रजत पदक लिया है जिन्होंने उन्हें 8,000 और थर्ड प्लेस को 6,000 रुपये की स्कॉलरशिप हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। ये जो मान्यता प्राप्त खेल हैं जैसे कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, स्विमिंग, तो इसमें जिन बच्चों ने ऑथोराइज टूर्नामेंट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस ली है और उन्हीं को दी जाती है और पर इनकी आयु 19 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये पात्रता अनिवार्य है। मान लीजिए कोई बच्चा किसी दूर किसी विकासखंडों में रह रहा है तो हमारे विकासखंड के युवा सम्मानक वहाँ के विकासखंड मुख्यालय के स्कूल्स में होते हैं, वो वहाँ पर से भी आवेदन ले सकता है और इनको ऑनलाइन भी कर सकता है। ये सर सरकार की एक अच्छी योजना है जिसके चलते बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है सर, ऐसा है सर? जी हाँ, इससे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और शासन की इस योजना का लाभ काफ़ी बच्चे लेते हैं क्योंकि देवास में स्पोर्ट्स का कल्चर है, इंस्टीट्यूशनल कल्चर है जी। तो यहाँ पर क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जी, सॉफ्ट टेनिस और ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी चलती हैं और इसके अलावा हमारे पास बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के कोचेज भी, गतिविधियाँ काफ़ी हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।